वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2020 में आई फॉर वी आर मेनी के बारे में बात करेंगे, जिसे डायरेक्ट किया है ल्यूरी बेस्टन ने। वेल, ये एक हॉरर एनाथोलॉजी मूवी है जिसमें हम सभी को कुछ 12 से 13 हॉरर टेल्स ऑफ डेमोंटो मॉर्बिड, हॉरर फाइव गुलिस, इन डिसेंट, रेवेलेशन एंड डिस्टेंटफुल जैसी डीमन स्टोरीज दिखाई गई है, जिनमें से मैंने आप सभी के लिए सिर्फ 3 ही डेमोंटो स्टोरीज आज के लिए पिक करी है। अब जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते ही हैं कि ये एक एनाथोलॉजी मूवी है, तो जो भी स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा मैं सिर्फ उनको एक्सप्लेन ही करूंगा रेदर देन उनकी एक्सप्लेनेशन देने की बजाय, क्योंकि एनाथोलॉजीज ऐसे ही काम करती हैं। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग हमारी पहली कहानी से शुरू होती है जिसका नाम होता है इट इज आर नाइबर्स, जो कि एक ओवर द फेंस कहानी है और ये एक टूटू डेविल के ऊपर बेस्ड है। तो स्टोरी की शुरुआत में हम सभी एक 35 ईयर ओल्ड अमेरिका के शहर टेक्सास में रहने वाली जेनिफर जेंसन नाम की प्रेग्नेंट लेडी को देख पाते हैं, जो कि ये बस किचन में अपने हस्बैंड माइकल के ऑफिस से घर आने से पहले हर एक काम दिन के तरह बस रात का डिनर वगैरह ही बना रही होती हैं। तो तभी ही कुछ ही देर के अंदर ही माइकल वो अचानक से ही अपने नॉर्मल समय से 2 घंटे पहले ही एक बड़े ही अजीब से कपल को लेकर घर आ जाता है, जिसमें हस्बैंड का नाम टोनी और उसकी वाइफ का नाम होता है, जिन्होंने आज शाम को ही माइकल और जेनिफर के ठीक बगल वाले घर में ही शिफ्ट किया था, जो कि बेसिकली अब इनके पड़ोसी थे। अब ऑब्वियसली आप सभी ने एक बात पे जरूर अच्छे से गौर किया होगा कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले इस कपल को अजीब कहा था, तो इसका पीछे का रीजन कुछ ऐसा है कि ये कपल यानी कि मारिया टोनी जैसे ही माइकल के घर के अंदर एंटर ही करते हैं, तो वो दोनों अपने ठीक सामने खड़ी जेनिफर से बातचीत करने के बजे, उसको हेलो कहने के बजे, इनफैक्ट ग्रीट करने के बजे, बिना कुछ बोले बड़े ही अजीब तरीके से अपनी आंखों को झपकाए बिना लगातार कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ जेनिफर के पेट की तरफ ही घूरे जा रहे होते हैं, जिसमें उसका बच्चा पल रहा होता है और अंदर ही अंदर मनी मन कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं, जो कि यूजुअली नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं किया करता। बट मीनवाइल दूसरी ओर जेनिफर वो इस कपल के अजीब वर्ताव को देख इनके इस बात पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए बस एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर इनको बस अपने साथ आज रात का डिनर करने के लिए कहती है। वे लव यू लोग इसके बच्चे को इस तरीके से क्यों देखे जा रहे थे, तो इस बारे में आप सभी को बहुत ही जल्द आगे चलकर पता चले ही जाएगा। तो खैर एनीवे, सब ये सभी लोग एक साथ मिलकर डिनर ही कर रहे होते हैं, तो तभी ही इसी ही दौरान जेनिफर की नजर माइकल की गर्दन के तरफ पड़ जाती है, जिधर इसको किसी इंसान के काटने के निशान दिखाई देने को मिलते हैं। तो जिसे देख जेनिफर ये इस बारे में माइकल से बात करने की कोशिश ही करती, बट समहाउ दूसरी ओर माइकल वो जेनिफर को इस बात का जवाब दिए बिना बहुत ही अजीब और क्रीपी तरीके से मेरी और टोनी के साथ मिलकर मन ही मन कुछ बड़बड़ाते हुए बस हंसने लगता है। तो अब इस अनोइंग काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग सीन को देख जेनिफर, जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये इसके साथ क्या हो रहा है, जेनिफर वो डर के मारे जल्दी से अपना खाना खत्म कर अपने पति माइकल को इन दोनों के साथ छोड़कर बस सोने के लिए अपने बेडरूम के तरफ ही जारी होती है। तो बेडरूम के अंदर आते ही एकदम से ही पूरे घर की लाइट चले जाती है, तो जिसे देख जेनिफर इस लाइट को फिक्स करने की कोशिश करती, तो तभी ही इसको इस कमरे के अंदर अचानक से अपने ठीक सामने वही तीनों माइकल, मेरी और टोनी दिखाई देने को मिलते हैं, जो कि ये तीनों इंसान न होकर बड़े ही खतरनाक से दिखने वाले डेमोंटो डेविल्स होते हैं, जो कि इंसान का भैंस लेकर बड़ी ही चालाकी से जेनिफर के घर में घुसाए थे। तो खैर जेनिफर ये इन तीनों से अपनी जान बचाने की कोशिश ही करती, तो तभी ही उससे पहले ये तीनों मिलकर जेनिफर के हाथ पैर पकड़ इसको उल्टा लेटा कर पास ही में पड़े एक बड़े से चाकू को ले सीधा इसको जेनिफर के लोअर पार्ट में घुसा कर पेट में पल रहे बच्चे को जैसे तैसे हाथ से बाहर निकाल कर जेनिफर के आंखों के सामने ही बहुत ही घिनौने तरीके से कच्चा ही खा जाते हैं। और बस हमारी ये स्टोरी एक अजीब नाइबर के डिनर पार्टी के साथ अनरियलिस्टिक वे में एक इधर ही एंड हो जाती है। खैर एनीवे, सब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जिसका नाम होता है डेमन इन द वुड, जो कि एक जूजू डेविल के ऊपर बेस्ड है।
तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम सभी दो टीनेज एड एंड लोरी नाम के हाई स्कूल स्टूडेंट्स को देख पाते हैं, जो कि ये दोनों ही अपने फ्रेंड डेक्स्टर के घर एक पार्टी को अटेंड करने के लिए एक सुनसान रास्ते के जरिए, जो कि बेसिकली डेक्स्टर के घर जाने का काइंड ऑफ शॉर्टकट था, बस अपनी कार से ही जा रहे होते हैं। तो तभी ही कुछ देर ड्राइव करते ही अचानक से इनकी कार का आगे वाला टायर एकदम से ही फट जाता है। तो जिसे देख लोरी और एड ये दोनों अपनी कार से बाहर निकल कर एड ये इस टायर को चेंज करने के लिए लोरी को कार के बैक जाकर अंदर पड़े हुए बैकअप एक्स्ट्रा टायर को लेकर आने के लिए कहता है, ताकि ये इस फटे हुए टायर को चेंज कर सके। तो खैर एनीवेज एड वो बस इस पंचर टायर को खोलने की कोशिश करता, तो इसी ही दौरान इसको लोरी की कार के ठीक पीछे से बहुत ही तेज की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसे सुनते ही एड ये तुरंत ही कार के पीछे भाग कर इस मूवमेंट के बारे में पता करने की कोशिश करता, तो तभी ही इसको अपने ठीक सामने एक बहुत ही शॉकिंग सीन दिखाई देने को मिलता है कि एक अजीब सा मोटा सा आदमी जो कि एक जूजू डेविल था, वो लोरी को जमीन पे गिराकर अधमरा कर जिंदा ही उसके पेट को फाड़कर मारकर खाने की कोशिश करता है। तो जिसे देख एड ये इमीडिएटली उस क्रीपी मोटे आदमी को तुरंत ही अपनी गन से शूट कर मार देता है। तो खैर उस मोटे को मारने के बाद एड ये लोरी के पास जाकर उसको बचाने के बजे बड़े ही अजीब ढंग से इसके पास आकर सैम उसे ही मोटे आदमी की तरह लोरी के पेट को फाड़कर जिंदा ही खाने लग जाता है। और बस हमारी ये स्टोरी बहुत ही अनएक्सपेक्टिंग वे में ठीक इधर ही एंड हो जाती है। एनीवेज सब हम चलते हैं हमारी आज के लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जिसका नाम होता है इंटरवेंशन, जो कि एक वेरा डेविल के ऊपर बेस्ड है। सो ऑल राइट, स्टोरी की स्टार्टिंग दो कॉलेज की लड़कियों को दिखाकर होती है, जिनके नाम निकोल और केटी होता है, जो कि ये दोनों हर एक आम दिन के तरह मॉर्निंग वॉक करने के लिए टाउन के ही एक अबैंडन्ड लोकल जंगल की तरफ ही आए होते हैं। तो तभी ही इस जंगल में आने के कुछ ही देर के अंदर ही केटी और निकोल को डॉग इथर वो अचानक से इनके हाथ से छुटकर पासे में मौजूद नदी के पास जाकर किसी को देखे बिना ही एकदम से ही भौंकना शुरू कर देता है। तो जिसे देख पीछे ही खड़े केटी और निकोल अपने डॉग इथर को नदी के पास से पकड़कर लेकर आते हैं। तो उससे पहले ही एक अजीब सा क्रीपी सा दिखने वाला क्रीचर वो सीधे पानी से निकलकर केटी के हाथ को और इसके कुत्ते को कसकर पकड़ लेता है और सीधे घेसते हुए पानी में ले जाकर निकोल के सामने ही केटी की दोनों टांगों को पकड़कर उसके नीचे से दो टुकड़े कर देता है। तो अब इस दिल दहला देने वाले सीन को देख निकोल ये बस ही जंगल से डरते हुए जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश करती। तो तभी ही वो ही क्रीपी सा दिखने वाला क्रीचर वो एकदम से निकोल के सामने आकर सीधे उसके मुंह में हाथ डालकर बहुत ही घिनौने तरीके से उसकी ऐस से बाहर निकालकर डिस्टर्बिंग वे में फाइनली निकोल को मार देता है। और बस हमारी ये स्टोरी इस मूवी के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब अगर आप इस मूवी को लिटरली खुद से देखकर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, जिधर मैं इस मूवी का लिंक दे दूंगा। अब दोस्तों इस मूवी के अंदर स्टिल अभी भी ऐसे कुछ स्टोरीज है जिनको अगर आप खुद ही देखोगे बिना मेरे एक्सप्लेनेशन के तभी ही आपको मजा आएगा, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द स्टोरीज जिनको मैंने कवर नहीं किया है बहुत ही ज्यादा वल्गर और कम्प्लीटली सेंसलेस है, जिनकी स्टोरीज बिल्कुल भी रेलेवेंट मीनिंग नहीं बनाती और सिर्फ वन टाइम वॉचेबल है। बाकी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या फिर कोई मेजर डिटेल मिस हो गई हो इस मूवी की स्टोरी को लेकर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक जिनको मैं कवर करना या फिर मेंशन करना भूल गया हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो वेल दोस्तों यही थी फॉर वी आर मेनी की एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।